नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके एजुकेटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ योगी फ्री लैपटॉप योजना के बारे में। इसके पहले मैंने एक वीडियो उस पर दी थी, तो उस वीडियो को जो आप लोगों ने देखा है पूरी वीडियो, आपके कमेंट्स को देखकर ऐसा मुझको लग रहा है कि आप लोगों ने उस वीडियो को पूरी नहीं देखा है। मैं उस वीडियो में बता कुछ और रहा था और स्टूडेंट्स जो थे वो समझ कुछ और रहे थे। आप लोगों ने उस वीडियो को गलत समझा है, तो उसी के लिए इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है मुझे कि मैं अपना मैटर क्लियर कर सकूं कि मैं उस वीडियो में कहना क्या चाहता था। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक और इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, ऐसा नहीं कि आप पहले ही कमेंट कर दें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमने बताया था वो ये बताया था कि देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार की तरफ से कहीं नहीं गया कहा गया था ऐसा कि लैपटॉप मिलेगा। हालांकि हमने ये बताया था पिछली वीडियो में, अब भी कह रहे हैं कि सरकार ने जब 2017 में यानी बीजेपी ने जब चुनाव लड़ा था तो उसने वादा किया था कि हम इंटर पास छात्रों को एक लैपटॉप देंगे और साथ में 1 GB डाटा देंगे, और मतलब कि जो आगे पढ़ाई जारी रखेंगे यानी इंटर पास करने के बाद जो कॉलेज में एडमिशन लेंगे उन छात्रों को लैपटॉप के साथ साथ 1 GB डाटा दिया जाएगा। और उस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि देखिए, पिछली जो सरकार थी अखिलेश यादव की, उस सरकार में सबसे पहले जो उन्होंने वादा किया था कि हम इंटर पास छात्र छात्राओं को लैपटॉप देंगे, तो उस सरकार इंटर पास और उस सरकार बनी उसके बाद से फिर मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिए जाते थे। ये ऊपर बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो लगातार वीडियो बना रहे हैं कि योगी फ्री लैपटॉप के अंतर्गत जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं इंटर में उनको लैपटॉप दिया जाएगा। तो हम वीडियो में भी यही बताने का मैंने प्रयास किया था कि ऐसे लैपटॉप के बारे में सरकार ने कोई घोषणा ही नहीं की है और बजट में भी उसका कोई ध्यान नहीं है। फंड बजट में किसी चीज़ के लिए गई है सरकार या मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी कहीं पर इस चीज़ का जिक्र किया गया है लैपटॉप के बारे में, वो केवल एक चुनावी, जिसको हम कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल भूल गए थे। तो जो पुरानी वीडियो हमने इसके पहले वाली वीडियो बनाई थी, या तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, तो ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी आपको वहां से, या फिर ये वीडियो स्क्रीन पर भी मिल जाएगी, आप वहां सकते हैं। उसके बाद हम ये बताएं, हम ये कहना चाह रहे थे आपसे कि देखिए, कुछ यूट्यूब चैनलों द्वारा लगातार झूठ फैलाया जा रहा है और ये झूठ अभी का नया नहीं है, यानी 2017 से जब से सरकार थी योगी जी की तभी से ही कुछ चैनल लगातार ये लगातार फैलाने की बात कोशिश कर रहे हैं कि योगी सरकार फ्री लैपटॉप दे रही है। हालांकि वादा जरूर किया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन ऐसा कुछ बाद में सरकार की तरफ से रुझान दिखा नहीं लैपटॉप को लेकर। तो हमारा जो वो वीडियो था वो केवल आप लोग देख जरूर लीजिएगा, मैंने जैसा कि बताया कि आई बटन पर भी मिल गया होगा वो वीडियो, और नहीं तो आपको लास्ट में एंड स्क्रीन पर वो वीडियो मिल ही जाना है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो उस वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था कि कितने परसेंट वालों को मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि उस चीज़ के बारे में हम झूठ न्यूज़ दे ही नहीं सकते, झूठी खबर जिस बारे में ना तो कोई नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आया है, ना सरकार ने कभी उस बारे में बोला है कि हम लैपटॉप देंगे, और ना ही इसके बारे में उन्होंने फंड वगैरह दिया है बजट में, ना ही लैपटॉप के लिए कोई व्यवस्था की गई है। तो उस चीज़ के बारे में हम आपको झूठी खबर कैसे दे सकते हैं। और ये वीडियो मैंने बनाया किस लिए था, मैंने लैपटॉप के ऊपर इसके पहले कोई भी वीडियो नहीं बनाए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमको कमेंट किया था कि सर आप भी लैपटॉप के ऊपर वीडियो बनाइए, देखिए इस तरह का सब दिखा के गूगल पे ऐसा सर्च करेंगे तो 20 वेबसाइट में ऐसा लिख के आ जाएगा। यही चीज़ें दिखाकर कुछ यूट्यूबर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि लैपटॉप वितरण होगा, फार्म ऐसे भर सकेंगे, ये सब दुनिया की चीज़ें, ये सब ऐसे आप गूगल पे जाके अगर सर्च करेंगे योगी फ्री लैपटॉप योजना तो 200 वेबसाइट ऐसे लिख के आ जाएंगी। ये केवल ब्लॉग हैं जो कि कुछ जैसे कि यूट्यूब चैनल्स पे बनाए जाते हैं, वैसे ही कुछ ब्लॉग बनाते हैं कुछ यूजर्स अपने, उनके द्वारा उनकी अर्निंग होती है, तो ये अर्निंग के लिए वो भी हैं, वहीं से ये यूट्यूब वाले भी ये चीज़ें कर रहे हैं। तो हमने यही बताया था आपको कि ऐसा कुछ नहीं है लैपटॉप को लेकर, ना तो योगी सरकार ने कभी कहा कि लैपटॉप मिलेगा। तो हम यही कह रहे थे कि आप ऐसे यूट्यूबर्स से सावधान रहें, क्योंकि ना तो सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन लैपटॉप के लिए नहीं आया है कि हम लैपटॉप देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी कुछ क्लियर कर पाया होगा।
मैंने उस वीडियो में ये नहीं कहा था कि आप लोगों को लैपटॉप मिलेंगे, मैंने ये कहा था कि लैपटॉप नहीं मिल रहे हैं, सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा हुई नहीं है। आप लोग सावधान रहिए ऐसे यूट्यूब चैनलों से जो कह रहे हैं कि लैपटॉप मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोज स्कॉलरशिप और न्यूज़ से, एजुकेशनल न्यूज़ से रिलेटेड लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।